हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास टेंथ के बच्चों के लिए और ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। मतलब इंग्लिश मीडियम में मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हो। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, और साथ में मैंने ये बताया था कि एक क्वेश्चन के साथ इसी क्वेश्चन से चार पांच क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं। जैसे याद होगा आपको, मैंने यंग यूरोप का दे रखा था इसमें फाउंडर, बट मैंने आपसे बोला था कि यंग इटली का भी आ सकता है। बर्ने में पूछा जाएगा कि आपको कौन सा सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, तो ये सारी की सारी चीज़ें, तो आप वो इंग्लिश मीडियम वाला पार्ट देख कर आ सकते हो। और हिंदी मीडियम में भी मैं बता दूँ, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट भी मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, एक क्वेश्चन को डीप में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर ली थी, तो इसीलिए। चलो जी, अब हम मैं बता दूँ, फर्स्ट पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चन कवर करवा दिए थे, तो 25 से आगे के क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, ओके। तो चलो जी, तो ये 25 वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका था, जिसमें हमने बात करी थी कि जो हमारा जर्मेनिया है, ठीक है, वो किस देश की रूपक है। तो आपको पता ही है जो जर्मेनिया है वो जर्मनी की रूपक है, तो इसमें जर्मनी की रूपक पूछा था, तो ये जर्मेनिया, ठीक है। ये वाला भी हो चुका था 25 का, वेलियम काइजर वेलियम वन, ठीक है, ये बना था हमारे जर्मनी का न्यू किंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो प्रूशिया का किंग था वो था पहले काइजर विलियम, बट क्योंकि प्रूशिया ने, या मैं बोलूँ प्रशा ने, हेल्प करी थी जर्मनी की एकीकरण होने में, इसी के लिए जर्मनी का किंग भी उसी को बना दिया गया था, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं जी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट अबाउट बलकान नेशन या नेशनलिज्म। आपको याद होगा मैंने आपको बलकान्स के बारे में बताया था, बालकन्स जिसे हमने पढ़ा था, बालकन्स के बारे में हमने देखा था कि एक एरिया था बेसिकली जो ऑटोमन एम्पायर यानी एक मुस्लिम एम्पायर था, उसके अंदर आते थे सारे के सारे देश, बट धीरे धीरे सब में क्या हुई कि देशभक्ति की भावना जागी। और उस, मैं बता दूं, ऑटोमन एम्पायर में और ऑटोमन साम्राज्य में बहुत अलग अलग टाइप के लोग आते थे, ग्रीक आते थे, सब आते थे, और भी बहुत अलग अलग टाइप के लोग आते थे, और फिर उन्होंने धीरे धीरे नेशनल राष्ट्रवाद की फीलिंग उनमें जागी और वो फिर अलग अलग होना शुरू हो गए, ओके। तो अब इस इन तीन पॉइंट में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला है कि द बलकान रीजन बिकम द पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ ऑटोमन एम्पायर। इसमें लिखा है कि जो बलकान का हमारा क्षेत्र था, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट होना स्टार्ट हो गई क्योंकि वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। क्या है बात सही है? फर्स्ट पॉइंट हमारा एकदम सही है, क्योंकि वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था ना, तो वो ऑटोमन एम्पायर वाले अपना जो है अपना कल्चर थोपने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से उनको लगा, जो वहाँ पर रहते थे बलकान लोग रहते थे ऑटोमन एम्पायर के अंडर, उनको लगा कि यार हमको उनके साथ रहना नहीं चाहिए, हमको अपना एक अलग कंट्री बनाना चाहिए, क्योंकि ये अपना कल्चर हम पे थोप रहे हैं, है ना। तो उन्होंने अपना नेशन स्टेट बनाना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट पॉइंट तो सही लिखा है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा है कि द रीजन कंप्राइजेज ऑफ द एथनिक ग्रुप, मतलब जो बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग आते थे बलकान्स में, बालकन्स में, हिंदी में इंग्लिश में कन्फ्यूज मत होना, बलकान्स इंग्लिश में था और हिंदी में बालकन्स, ठीक है। तो ये बात, ग्रीक हो गया, सर्ब्स हो गए, ठीक है, मॉन्टेनेग्रो हो गया और एटसेट्रा, ठीक है। अब देखो, क्या यह बात सही लिखी है भाई? यह बात एकदम सही लिखी हुई है। बलकान्स के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के लोग थे, जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया। तो यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। थर्ड पे आते हैं, ब्रिटिश एंड द एथनिक नेशनलिटी स्ट्रगल अगेंस्ट देयर आइडेंटिटी। पहली बात तो यह है कि ब्रिटिश का बलकान से कोई लेना देना नहीं है। ये देखो, ब्रिटिश लिखा हुआ है यहाँ पर, बलकान्स लिखा हुआ है, तो ब्रिटिश जो बलकान्स का एरिया था उसमें ब्रिटिश नहीं आता था। ब्रिटिश तो अपनी टेरिटरी बढ़ाने गया था वहाँ पर, ठीक है, वो तो मजे लेने गया था, उसको लग रहा था कि बलकान्स के ऑटोमन एम्पायर के जो अलग अलग कंट्रियाँ टूटेगी उसमें से एक दो को हम अपने हिस्से में ले लेंगे, अपना डोमिनेंस क्रिएट कर लेंगे और अपनी कॉलोनी बना लेंगे उनको, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ वन एंड सेकेंड सही है, यानी ए सही है, ओके। नीचे क्वेश्चन में आते हैं। तो याद होगा हमने पढ़ा था, इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि सिलेसिया एक जगह है बेसिकली, वहाँ पर क्या हुआ था, जो वीवर थे ना, जो बुनकर थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, है ना, जो समझ गए ना कॉन्ट्रैक्टर का मतलब, जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ठीक है, जो हमारे बुनकरों को कॉन्ट्रैक्ट देते थे कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप हमारा इतने में काम कर दो, ये सारी सारी चीज़ें, ठीक है। बट एक टाइम ऐसा आया था जब हमारे जो बुनकर थे ना, उन्होंने सिलेसिया के अंदर जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया, उनके अगेंस्ट आंदोलन वगैरह शुरू कर दिया 1845 में। रीज़न क्या था मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ पहले, फिर ऑप्शन पे जाएंगे। देखो, बात ऐसी थी कि ना उस टाइम में ना बहुत दिक्कतें चल रही थी, 1845 में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोज़गारी थी और बहुत दिक्कतें चल रही थी हमारे सब लोगों के साथ बेसिकली। तो कॉन्ट्रैक्टर ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया
उसने सोचा, देखो बात ऐसी है, उसने ये बोला कि लोग तो बहुत सारे हैं, सारे लोग बेरोज़गार हैं, तो हम सस्ते में भी काम करवाने के लिए बोलेंगे तो करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो उन्होंने हमारे जो वीवर थे, या मैं जो जो बोलूँ हमारे जो बुनकर थे, उनको ये बोला कि आप हमारे लिए काम करो, ठीक है, और कम में काम करो, जिस और साथ में उनको पेमेंट भी ड्यू कर दी कि जी हम आपकी पेमेंट अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। तो इसी के खिलाफ हमारे वीवर ने बोला, हमारे बुनकरों ने बोला कि आप हमें पेमेंट भी सही टाइम पे दो, और जितनी पेमेंट बनती है उतनी दो, कम मत दो। और इसी के अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट पे देयर ड्यूज। कॉन्ट्रैक्टर जो थे उन्होंने उनके पैसे वगैरह नहीं दिए थे, और साथ में कम पैसे देने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए बोला था, तो ये दिक्कत उनको समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट ऑफ द ब्रिटेन। तो आपको पता है कि जो ब्रिटेन है वो एक राष्ट्र राज्य बना था, ठीक है। अब ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य कब बना था, मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य कब बना था, जब 1668 में, ठीक है, 1668 में क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। कि पहले क्या होता था कि अलग अलग टाइप के लोग रहते थे वहाँ पर, एक राजा हुआ करता था हमारे ब्रिटेन में, बट वो जो राजा हुआ करता था ना, उससे जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी, इंग्लिश पार्लियामेंट में क्यों बोल रहा हूँ, वहाँ पर ज़्यादा इंग्लिश मैन थे, इंग्लिश बोलने वाले ज़्यादा थे उस पार्लियामेंट के अंदर, तो उन्होंने बिना किसी लड़ाई झगड़े के बिल्कुल शांति से 1688 में, 1688 में जो राजा थी उसको पावर को हटा दिया, और क्या कहते हैं, खुद एक तरह से पावर में आ गए, पार्लियामेंट का रूल चल गया, मोनार्की सिस्टम वहाँ से हट गया और डेमोक्रेसी आ गई, एक तरह से कह सकते हो अब लोकतंत्र आ गया वहाँ पर, ठीक है। तो ये हुआ था, और उसी के बाद जो हमारा ब्रिटेन था वो एक राष्ट्र राज्य बना। कब बना, 1688 में बना, जब हमारे पार्लियामेंट ने बहुत प्यार से बिना खून खराबे के हमारे राजा की पावर को छीन लिया। ओके, अब देखो इसमें पॉइंट पढ़ते हैं। तो कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ए है, ए है, ए है, देखो ए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा, फॉट वॉर, मैंने क्या बोला था, लड़ाई तो उन्होंने लड़ी नहीं, उन्होंने तो बहुत प्यार से बिना खून खराबे के किंग से पावर ले ली थी। तो इसका आंसर है बी, द पार्लियामेंट थ्रू द ब्लडलेस रेवोल्यूशन सीज द पावर ऑफ मोनार्की। हुआ तो 1688 में ही था, 1688 में ही था, बट उन्होंने बिना खून खराबे के ब्लडलेस रेवोल्यूशन किया, जिसकी वजह से उन्होंने पावर छीन ली। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज, मतलब सॉइल के बारे में बताना है, ऐसी सॉइल जहाँ पर हाई टेम्परेचर हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ऐसे मतलब उस एरिया में हमें उस टाइप की सॉइल मिलती है जहाँ पर हाई टेम्परेचर हो और बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती हो, थोड़ी ह्यूमस भी हो, नमी वगैरह भी हो, मतलब लो ह्यूमस हो, लो ह्यूमस कंटेंट का मतलब है ज़्यादा नमी ना हो एरिया में, और जो पहाड़ों पर कर्नाटक के हिली एरियाज़ में, केरला में और तमिलनाडु में पाई जाती है, ऐसी कौन सी सॉइल है, ऐसी सॉइल है जी लेटराइट सॉइल, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल तो पता ही है आपको, जो पहाड़ों पे पाई जाती है, नाम से भी आपको पता चल रहा है, माउंटेनियस सॉइल भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ये भी अलग है, और ब्लैक सॉइल तो आपको पता है जो हमारा दक्कन वाला एरिया था ना उसमें पाई जाती है, तो लेटराइट सॉइल इसका एग्जाम्पल है, आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी, बताना है कि कौन सा रिसोर्स है। टाइडल एनर्जी आपको याद है ना, जो लहरों से बनने वाली जो एनर्जी होती है, जिसपे हम समुद्र में जो लहरें होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, है ना, आपको पता है ना, टरबाइन घूमता है फिर ये सारा का सारा, तो किसके अंदर आता है, नवीकरणीय संसाधन है ये, अनवीकरणीय संसाधन है, एक्चुअल संसाधन तो कुछ होता ही नहीं है, और आपका पोटेंशियल रिसोर्स है। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब है, जिसमें याद होगा आपको पोटेंशियल रिसोर्स, जिसमें हमने देखा था कि जिसमें हमारी संभावित संसाधन जिसे कहते हैं, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, बट अभी उनका यूज़ बहुत कम उसमें किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, टाइडल एनर्जी जो है हमारी, जो लहरों से बनती है, वो एनर्जी जो है वो एक नवीकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि दोबारा दोबारा बनती है, ऐसे तो नहीं एक बार लहर आ जाएगी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, 31, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर विद यूजिंग द कोड बिलो, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये लिखे हुए, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है, ठीक है। पहला लिखा हुआ है कि जो पावर शेयरिंग है वो लोकतंत्र के लिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए अच्छी है, क्या ये बात सही है, ये बात एकदम सही है, ठीक है, सत्ता की साझेदारी के लिए बहुत सही है पावर शेयरिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, इट क्रिएट हार्मनी इन द डिफरेंट सोशल ग्रुप या डिफरेंट ग्रुप, अगर हम सत्ता की साझेदारी कर देते हैं तो अलग अलग जो लोग हैं ना उनमें शांति बनी रहती है,
ठीक है, एक सही माहौल रहता है, खून खराबा नहीं होता, क्या ये बात सही है? ये बात सही है। अगर श्रीलंका भी पावर शेयरिंग कर देता, सत्ता की साझेदारी कर देता, तो वहाँ पर भी शांति बनी रहती, बट उन्होंने नहीं किया। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन दी गवर्नेंस। अगर हम सत्ता की साझेदारी कर देते हैं ना, तो एक पारदर्शिता बनी रहती है, क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। देखो, अगर सत्ता का बंटवारा ना हो तो सारी की सारी पावर किसके पास रहेगी? केंद्र सरकार के पास, है ना। और केंद्र सरकार से कोई सवाल ज़्यादा पूछने वाला होगा नहीं, उस पर इल्ज़ाम लगाने वाला कोई होगा नहीं, कोई नॉर्मल बंदा होगा उसको जेल में डाल देगी। बट अगर कोई दूसरा नीचे लेवल वाला, जिससे हमें पावर को डिवाइड करना है, अगर वो क्वेश्चन पूछे सरकार से, जैसे कि मान लो हमारी राज्य सरकार केंद्र सरकार से बात पूछे, तो वो जवाब देगी और बहुत संजीदगी से देगी, बहुत सोच विचार करके देगी, है ना। तो इसीलिए भी पावर इम्पॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी इम्पॉर्टेंट है, ताकि एक पारदर्शिता बनी रहे, जवाब दे सरकार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इट ब्रिंग्स सोशियो पॉलिटिकल कंपटीशन अमंग पार्टीज़। मतलब सत्ता की साझेदारी अगर हम करते हैं ना, तो कॉम्पटिशन बना रहता है, क्या ये बात सही है? ये बात देखो, मैं आपको बताता हूँ, अगर हम सत्ता की साझेदारी नहीं भी करते ना, तब भी एक कंपटीशन बना रहता है पॉलिटिकल पार्टी में। मैं समझाता हूँ कैसे। मान लो सत्ता की साझेदारी नहीं है, सारी की सारी पावर सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, तो केंद्र सरकार के मंत्री चुनने के लिए भी तो इलेक्शन होते हैं, तब भी तो बहुत सारी पार्टी आपस में खड़ी होती है। तो सत्ता की साझेदारी हो या ना हो, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन तो बना रहता ही रहता है। तो यानी 1, 2 और 3 सही है, इसका होगा ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ जुडिशरी एक्ट एज एन एम्पायर इन फेडरल नेशन। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जुडिशरी है, जो हमारा न्यायपालिका है, वो एक अम्पायर की तरह एक्ट करता है ना। अम्पायर की तरह वो कैसे एक्ट करता है, मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ हमारी जुडिशरी जो है, यानी हमारी जो न्यायपालिका है, उसी के पास इतनी पावर है कि वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारा जो संविधान होता है, उसको बता सकती है, उसको इंटरप्रेट कर सकती है, ठीक है। मैं इस इंटरप्रेट का मतलब क्या, देखो मान लो एक लाइन लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, तो कुछ ऐसे बंदे हैं जो लाइन का कुछ गलत मतलब निकाल रहे हैं हमारे संविधान में, कुछ ऐसे बंदे हैं जो गलत मतलब अलग अलग टाइप के लोग हैं जो सोच रहे हैं कि इस लाइन का मतलब अलग अलग है। तो फिर हमारा न्यायपालिका बताएगा, जी ये जो संविधान के अंदर लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है। तो इसलिए ही बोला जाता है कि जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो एक अंपायर की तरह एक्ट करती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी हमारा, अजर्शन और रीज़न, ठीक है, जिसको अभिकथन और तर्क यानी कारण वाला क्वेश्चन कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया इसमें, ठीक है। अजर्शन लिखा हुआ है, अजर्शन है आपका कि श्रीलंका अडॉप्ट सिन्हाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, यानी जो सिन्हाला थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा बना दिया गया था हमारी श्रीलंका का, क्या ये बात सही है? यह बात एकदम सही है, अजर्शन ने एकदम सही लिखा हुआ है, क्योंकि सही में राजभाषा बना दिया गया था। रीज़न रीड करते हैं, अजर्शन तो सही है, रीज़न रीड करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ द श्रीलंका वांटेड टू फॉस्टर देयर कल्चर लैंग्वेज एंड रिलीजन। मतलब इसमें लिखा है कि जो श्रीलंका की सरकार थी, कौन सी सरकार थी श्रीलंका की, ज़्यादातर लोग श्रीलंका की सरकार में कौन थे, सिन्हाला थे। इसमें लिखा हुआ है श्रीलंका की सरकार जो थी, अपना कल्चर थोपना चाहती थी बाकी लोगों पे, अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज, अपना रिलीजन थोपना चाहती थी, क्या ये बात सही है? ये बात सही है, सही में जो सिन्हाला लोग थे ना सरकार के अंदर श्रीलंका की, वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपना रिलीजन थोपना चाहते थे। तो अब दोनों सही है, अब हम देखेंगे ये दोनों के अंदर कनेक्शन है या नहीं है। जब दोनों लाइनें सही होती है ना, अजर्शन और रीजन, तो कनेक्शन ढूंढते हैं, क्या इनमें कनेक्शन है। बिल्कुल कनेक्शन है, मैं समझाता हूँ। जब आपको कनेक्शन चेक करना हो तो एक लाइन में रीड कर दो, श्रीलंका में सिन्हाला को एक राजभाषा घोषित किया गया क्योंकि सिन्हाला की सरकार अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपना रिलीजन दूसरे लोगों पर थोपना चाहती थी। और मैं आपको बता दूं, सिन्हाला लोगों का जो धर्म था वो क्या था, वो बुद्धिस्ट था और सिन्हाला भाषा थी उनकी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, ठीक है। वो चाहते तो तमिल को भी रिकॉग्निशन दे सकते थे, बट तमिल लोगों को कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया गया, उनकी लैंग्वेज को कोई नहीं दिया गया, और इसी वजह से वहाँ पर दिक्कतें क्रिएट हुई थी, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों सही और दोनों का आपस में लेना देना है, तो इसका होगा बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। हिंदी में बोले तो ए और आर दोनों ठीक है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी वगैरह, कंप्यूटर वगैरह। तो जो कंप्यूटर वगैरह है वो हमारी कौन सी लिस्ट में आता है, हिंदी में इसको कॉन्करेंट को समवर्ती लिस्ट, समवर्ती सूची बोलते हैं, इसको हम केंद्र सूची बोलते हैं, ठीक है, इसको हम राज्य सूची बोलते हैं, और ये अवशिष्ट विषय हैं, ठीक है।
तो अवशिष्ट विषय क्या होते हैं जो नए नए आए हैं, नए नए का मतलब है जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह है ना, जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, ये सारी नए इशू है, तो इनको इस लिस्ट में डाला गया है और इन पे कानून बनाने का काम भी केंद्र सरकार का होता है ना। तो इसका मतलब होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेजिडरी लिस्ट में आएगा, सब्जेक्ट में आएगा, ठीक है। पुलिस, मैंने आपको बताया था पुलिस जो है वो राज्य सूची में आता है, जैसे वेस्ट बंगाल का एग्जांपल लिया था मैंने, वहाँ की पुलिस किसकी बात मानेगी, सीएम की, राज्य सरकार की। एडुकेशन जो है हमारा, यानी हमारी शिक्षा जो है वो हमारा एक कॉन्करेंट यानी संवर्ती सूची में है। राज्य सरकार भी एडुकेशन पे बना सकती है कानून और केंद्र सरकार भी बना सकती है कानून, ठीक है। और डिफेंस जो है वो आपको पता है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, ओके। तो इसका आंसर आप देखोगे, मैच वगैरह करके देखोगे, फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का अपना मैंने क्या बताया था, पुलिस स्टेट यानी थर्ड, सेकंड का थर्ड, ये फर्स्ट वाला ही दिख रहा है मेरे को तो, और थर्ड का ए, यही है इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक अमृता है, ठीक है, एक लेडी है जो जो मतलब एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के जो जॉब के लिए पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट होती है ना, उसमें बैठी है, परीक्षा दे रही है, तो इन हाउ मैनी लैंग्वेज वो परीक्षा दे सकते हैं, कितनी लैंग्वेज में वो परीक्षा दे सकती है। तो मैंने याद है ना आपको ये बताया था कि हमारे, और ये भी पूछा जा सकता है कि आपसे कि शेड्यूल एट में कितनी लैंग्वेज है, तो मैं आपको बता दूँ शेड्यूल एट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल एट को शेड्यूल ही बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल होता है, ठीक है, और फिर शेड्यूल आता है। तो मैं आपको बता दूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल एट के अंदर, संविधान के अंदर शेड्यूल जो एट है उसके अंदर लिखा गया है कि हमारी 12 भाषाएं हैं जिनको रिकॉग्निशन दिया गया है इंक्लूडिंग हिंदी, तो 21 है और 22वीं हिंदी है, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई, तो याद रखना इतने में वो एग्ज़ाम दे सकते हैं इतनी लैंग्वेज में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये जो कुछ फीचर लिखे हुए हैं, कुछ विशेषताएँ लिखी हुई हैं, इसके आधार पर आपको बताना है कि यहाँ पर किस टाइप की सरकार की बात करी गई है इसमें। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है पावर शेयर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, वह सिस्टम जहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो हमारी क्षेत्र सरकार होती है उसमें पावर बटी हुई होती है। बी लिखा हुआ है कि इसको थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, यानी तीसरे स्तर की सरकार भी कहा जाता है, और जो तीसरे स्तर की सरकार होती है वो जो दूसरे स्तर की यानी राज्य सरकार होती है वो तीसरे स्तर की सरकार के साथ अपने पावर और अपनी जो वित्तीय पैसे वगैरह होते हैं वो शेयर करता है, बिल्कुल। तो ये किसका फीचर है, तो देखो पहली बात तो बीच वाले फीचर को देखो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, यानी तीसरे स्तर की सरकार बोला जाता है। तो इसका आंसर आपको पता ही है कि विकेंद्रीकरण होगा, आपको याद है ना 1992 में हमारे संविधान के अंदर विकेंद्रीकरण लाया गया था। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि पावर को डिवाइड किया गया था केंद्र, राज्य और हमारी जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना क्षेत्र सरकार उसमें, तो इसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं। मैं फिर भी बता देता हूँ, बाकी फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि पावर जो हो वो बटी हुई हो, बट इसमें ये नहीं लिखा कि किस किस में बटी हुई हो, ओके। हमारे इंडिया के अंदर तो उसे क्या कहा जाता है, फेडरल सिस्टम, मतलब दूसरी कंट्री में फेडरल का मतलब होता है कि जहाँ पर दो स्तर की सरकार हो, बट हमारी कंट्री के अंदर तीनों स्तर में सरकार बटी हुई है, ओके। चलो नेक्स्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि यूनिटरी का मतलब होता है जिसमें सारी की सारी पावर सिर्फ एक ही सरकार के पास हो, जो कि हमारे भारत के अंदर नहीं है, हमारे भारत के अंदर अलग अलग स्तर पर सरकार बटी हुई। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम का मतलब होता है कि तीन स्तर पर सरकारें हैं, ओके, और जो तीसरे स्तर की सरकार है, जो दूसरे स्तर की सरकार है, जो तीसरे स्तर के साथ पावर शेयर करनी पड़ेगी, ओके। चलो अब आते हैं 37 क्वेश्चन पे, डायरेक्टली आ जाते हैं, और यूनिटरी का मतलब भी वही होता है। 37 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसमें लिखा है कि इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल सिस्टम। क्वासी फेडरल स्टेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्टेट जहाँ पर केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर हो, ठीक है, सिंपल। तो आपको पता है ना, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है ना, किसी भी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका समाधान केंद्र सरकार ही करेगी, यानी एंड में केंद्र सरकार की बात ही मानी जाएगी। तो इसमें से कौन कौन सा पॉइंट है जिससे हमें ये पता चलता है कि भारत के अंदर क्वासी फेडरल स्टेट है भारत एक, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत की जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा पावरफुल है, हाँ जी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो एक क्वासी फेडरल स्टेट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है रेजिडोरी जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है वो भी केंद्र सरकार के पास है, इससे भी हमें पता चलता है कि केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है, बिल्कुल सही बात है जी। सेकंड भी हमारा सही है। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि जो केंद्र और राज्य सरकार के पास सेम पावर होती है, इक्वल सब्जेक्ट होते हैं, इक्वल विषय होते हैं, क्या ये बात सही है, ये बात गलत है, केंद्र सरकार के पास थोड़े ज़्यादा होते हैं,
ठीक है, और जो करेंसी है रेलवे है वो केंद्र सरकार के पास आती है, ये बात भी सही है। यानी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है, बी होगा इसका, है ना, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है। केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है, केंद्र सरकार के पास अवशेष शक्तियाँ हैं और केंद्र सरकार के अंडर ही रेलवे और करेंसी वगैरह आती है। इससे हमें पता चलता है कि इंडिया एक क्वासी फेडरल स्टेट है, यहाँ पर केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताना है कि थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म, इसमें से कौन सी लाइन इंडिया, मतलब इंडिया के संविधान के अंतर्गत सही लिखी गई है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी हमारे भारत के संविधान को संघ कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। मैं आपको बता दूँ, शायद आपको ना पता हो, हमारे भारत के संविधान में फेडरलिज्म वर्ड ही नहीं है। ठीक है, फेडरलिज्म जो संघवाद वर्ड होता है ना, संघवाद वर्ड ही नहीं है यहाँ पर, मतलब फेडरलिज्म वर्ड नहीं है, इंग्लिश में फेडरल जो वर्ड होता है वो नहीं है, उसकी जगह हमने यूज़ किया है यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्यों का संघ है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट सही लिखा हुआ है, ये बात पहला पॉइंट एकदम सही लिखा हुआ है। सही में भारत का जो संविधान है वो यूनियन ऑफ स्टेट बोलता है, वो डिक्लेयर करता है कि इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात भी सही है। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में पावर बटी होनी चाहिए, यही हमारा संविधान बताता है, यही हमारे संविधान का मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इट इज़ ईजी टू मेक चेंज इन पावर शेयरिंग, मतलब पावर शेयरिंग में यानी सत्ता की साझेदारी में हम ईजिली पावर को चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है चेंज करना। अगर आपको कोई टॉपिक या कोई विषय केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार में देना होता है, राज्य सरकार से केंद्र सरकार में देना होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, तो यानी थर्ड तो गलत है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं फोर्थ की, द पार्लियामेंट कैन ओन चेंजेस अरेंजमेंट, जो पार्लियामेंट है वो अकेले ही इस पावर को चेंज कर सकती है, मतलब वो चाहे तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी को कोई भी पावर चेंज कर सकती है, ये बात एकदम गलत है। अगर चेंज किया जाता है ना, और कोई गलत तरीके से चेंज करता है, ज़बरदस्ती चेंज करता है, तो हमारी जो न्यायपालिका उसे रोक देती है, यानी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड ही सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, ओ सॉरी ए, ये वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 39 अजर्शन और रीज़न आ गया हमारा। चलो अजर्शन लिखा हुआ है हमारा, यानी हमारा अभिकथन लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है ना, यानी मानव सूचकांक, यानी मानव विकास जो होता है, जो मानव विकास की आपको पता ही, हमने देखा था ना, मानव विकास सूचकांक, मानव सूचकांक है ना, मानव विकास सूचकांक, एक HDI एक देखी थी हमने, उसमें क्या था, वो ये बताती है कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब सोसाइटी के बेस पे और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के बेस पे कंट्री कैसा कर रही है, क्या ये बात सही है, ये बात एकदम सही है। HDI के अंदर यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हम पैसों को भी लेते हैं, इनकम को भी लेते हैं, कंट्री के अंदर कितने लोग कमाते हैं, जैसे इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम को हिंदी में क्या कहते हैं हम, एवरेज इनकम, औसत आय भी कहते हैं, है ना, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमें ये पता चलता है कि कंट्री सोसाइटी के बेस पे, जिसमें एडुकेशन वगैरह शिक्षा वगैरह ये आ जाता है, ठीक है, हेल्थ वगैरह आ जाता है, और इकोनॉमी बेस पे पैसे के मामले में जिसमें हम पर कैपिटल इनकम देखते हैं, उस पर बताता है कि कंट्री कैसा कर रही है, क्या बात सही है, बात एकदम सही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यही लिया जाता है। रीज़न लिखा हुआ है कि कंपेरिजन ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ द टू कंट्री एक्सप्लेन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बात एकदम गलत है। इसमें लिखा हुआ है कि जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो इसमें कंट्री की, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ हम नेशनल इनकम देखते हैं, ये बात एकदम गलत है। हम नेशनल मतलब इनकम भी देखते हैं, हम हेल्थ स्टेटस भी देखते हैं, लिटरेसी रेट भी देखते हैं, एजुकेशन भी देखते हैं, बट इसके अंदर तो लिखा है सिर्फ और सिर्फ इनकम, तो यानी रीज़न गलत है। तो यानी हमारा आंसर होगा कि अजर्शन तो ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है। ओके, समझ आया ना आपको दोस्त? अगर ना आए कि कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आप, अगर किसी, कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई क्वेश्चन समझ आ गया हो बट वो कमेंट में देखता है कि किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ उनको रिप्लाई करो। ठीक है, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की, ठीक है, एक हद तक मैं करूँगा ही करूँगा, बट अगर फिर भी किसी बच्चे का एक दो या एक आधा क्वेश्चन छूट जाए मेरे से, तो आप ज़रूर रिप्लाई करना। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट ए दे रखी है, लिस्ट बी दे रखी है, आप में बताना है कि कौन सा में सही लिखा हुआ है। ए, जैसे कुरियर वाले के सामने टर्जरी सेक्टर लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा सही है? तो वैसे मैं बता दूं, इसका आंसर है ए,
इसमें है क्या, कुरियर वाले भैया होते हैं ना जो एक जगह से दूसरी जगह कुरियर ले जाते हैं, वो किस में आता है, तृतीयक क्षेत्र में आता है। टर्जरी सेक्टर को तृतीयक क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है, सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो ये आएगा फिशरमैन जो होता है, ये गलत लिखा हुआ है, ये हमारा प्राइमरी में यानी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। कारपेंटर जो होता है वो भी सेवा प्रदान कर रहा है एक तरह से, वो हमारा टर्जरी यानी तृतीयक क्षेत्र में आएगा। और जो ट्रांसपोर्टर होता है वो भी तृतीयक क्षेत्र में आएगा, एक जगह से दूसरी जगह जो लेकर जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हिंदी में। वैसे क्या ना, एक रीता थी जो एक एमएनसी में वर्क करती थी, ठीक है, एमएनसी में वर्क तो वो करती थी, और उसके बाद उनको एक ऑफ़र आया है कि हमारी कंपनी शिफ्ट हो रही है, आप 3 ABC में से किसी भी एक कंट्री को चुन सकते हो। तो क्वेश्चन ये है कि रीता ने कंट्री ए को चुना, क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रति व्यक्ति आय लिखी हुई है, ठीक है, 2007 के अकॉर्डिंग। तो देखो इसमें एक बात आप नोटिस करोगे कि इसमें ना प्रति व्यक्ति आय 500 है, 500 है, 500, 500 और फिर एकदम से 48,000, ठीक है। इसमें देखो 5,000 है, 1,000 है, 15,000 है, 4,000 है, एकदम से 25,000। और यहाँ पर देखो कि सारी की सारी इक्वल है, ठीक है। इसका मत देखो, याद होगा आपको जब आपने, मैंने आपको चैप्टर समझाते हैं, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, विकास का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है बट फिर भी वहाँ पर ज़्यादा लोग गरीब होते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर असमान वितरण होता है इनकम का। और यही हमें इन बी और सी में दिख रहा है, बट यहाँ पर असमान वितरण नहीं है कंट्री ए में। देखो सारे के सारे ऑलमोस्ट इक्वली हैं, बराबर हैं, ऐसा नहीं है कि एक 10,000 पे और एक 500 पे, ऐसा नहीं है, बाकी कंट्रियों के साथ ऐसे है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि जो हमारी कंट्री ए है वो मोर स्टेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो बराबर है, इनकम को अच्छे से बांटा गया है, ठीक है। इस फिर भी मैं बाकी ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ए पे लिखा हुआ है कि वो ज़्यादा रिच है कंट्री है, ऐसा नहीं है। रिच के मामले में तो देखोगे बी जो है थोड़े ज़्यादा इनकम वाली लग रही है मेरे को, बी और ए, बी और सी, बट ए में इतना ज़्यादा नहीं है, एक में भी 20,000 पार नहीं है, है ना। सी पॉइंट लिखा हुआ है कि नेशनल इनकम जो है हाइयर है, ऐसा नहीं है, नेशनल इनकम तो यहाँ पर हाइयर बैठेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी। जो एवरेज इनकम ऑफ ई सिटीज़न इज़ लोअर, लोअर तो यहाँ पर है 500, 500, 500, 500, ठीक है। तो जो इनकम है वो ज़्यादा स्टेबल है हमारी कंट्री ए के अंदर, इसलिए चुना है इसने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, और ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि उस क्वेश्चन में दिक्कत है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और ये क्वेश्चन तो मैं पक्का देखो चेक करूंगा और ये होना चाहिए आप सबका। इसमें ये बोल रखा है कि एक बंदा है जिसकी एज, जिसका वेट है 45 केजी, और उसकी हाइट है 1.78 मीटर, ठीक है। अब आपको उसका बॉडी मास इंडेक्स निकालना है, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स निकालना है, वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक वुमेन है जो एक स्वीट की शॉप में वर्क करती हैं, बताना है इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर भी बताना है और अपना बॉडी मास इंडेक्स भी बताना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें फॉर्मूला तो पता होता है पर जब एग्ज़ाम में हम निकालने बैठते हैं तो यार गलत निकलता है, क्या हो गया हमारा तो गलत निकल गया, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी होती, प्रैक्टिस करनी है, और इसलिए देखो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ओके, क्या प्रैक्टिस वगैरह कर सको, अच्छे समझ सको। 43 की बात करते हैं कि वुमेन है जो एक मिठाई की शॉप में वर्क करती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगी हुई है, सैलरी उनको मिल जाती है एंटायर डे की, मतलब एक दिन पे काम करती है तो उन्हीं दिन सैलरी मिल जाती है, कोई हॉलीडे नहीं है, कोई पेड लीव नहीं है, कोई अगर कोई छुट्टी करती है तो उनकी पैसे काटे जाते हैं, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो कौन से सेक्टर में काम कर रही है, प्राथमिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में या असंगठित क्षेत्र में। देखो पता ही चल रहा है मैं साफ कि वो एक असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है, क्योंकि कुछ भी देखो संगठित नहीं है, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, है ना। चलो समझ आ गया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये फैक्ट, ये डेटा दे रखे हैं एम्प्लॉयमेंट के, यानी हमारे प्राथमिक क्षेत्र में 44% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वर्क करती है, काम करती है, सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र में 25% और हमारे तृतीयक क्षेत्र में 31%, ओके। प्राइमरी सेक्टर का जो आप देखोगे कि आज मैं देखो ये हमने पढ़ा था, हमने चैप्टर जब करा था तो हमने ये देखा था, मैं आपको बता दूं, मैं हर चैप्टर के एमसीक्यू अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये भी बात मैं बताना भूल गया आपको, चलो बता दी मैंने आपको, हर पर्टिकुलर चैप्टर के 100 से ज़्यादा एमसीक्यू जिसमें ऑब्जर्वेशन और रीजन सारे के सारे शामिल है। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे पूछे कि सर आप हिंदी में क्वेश्चन क्यों नहीं लिख रहे, इसके हिंदी में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो इसके अंदर आपको दिख रहा है ना
वो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये मैंने जब आपको चैप्टर समझाया था ना, सेकंड चैप्टर समझाया था, और सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू वाली वीडियो में ये बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन था। मतलब मैंने अपने तरीके से समझाया था, इसमें थोड़ी डेट वगैरह चेंज है, मतलब नंबर वगैरह चेंज है, और अपने तरीके से बट समझाया था, ठीक है। 100 से ज़्यादा एमसीक्यू तो कुछ छूटेगा ही नहीं, बुक की एक एक लाइन से कवर करवाया था। तो अगर मैं इसको भी बना देता हूँ तो फिर फ़ायदा क्या होगा, जब मैं पहले लिख चुका हूँ इसमें, है ना। तो इसलिए उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चारों बुकों का, है ना, हमारी SST की, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। चलो, अगर आपको कोई इंग्लिश मीडियम का तो उनको भी शेयर कर देना। तो चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, एमसीक्यू में भी हमने देखा था कि ज़्यादातर लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम तो करते हैं, ठीक है, बट सबसे ज़्यादा जो हमारा बढ़ रहा है ना सेक्टर, वो कौन सा है, वो है तृतीयक क्षेत्र। मैंने आपको बताया था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सबसे ज़्यादा जो है वो तृतीयक क्षेत्र बढ़ रहा है, बट आज भी ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम करते हैं। क्यों काम करते हैं, इसका रीज़न है जी प्रच्छन्न बेरोज़गारी, ठीक है। देखो बात यह है, कृषि में ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो एक फार्म है या एक खेत है, उस पर 10 लोग काम कर रहे हैं, आपको लगेगा सारे के सारे काम कर रहे हैं और वो 100 किलो अनाज उगा रहे हैं, बट मज़े की बात यह है कि आप 10 को हटा दो, 5 को हटा दो ना, और 5 रहे तब भी 100 किलो अनाज उग रहा है। फिर आपको पता चलता है जो बाकी 5 बंदे रखे थे वो तो एक्स्ट्रा थे। तो इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि छुपी हुई बेरोज़गारी इसको कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं इसीलिए क्योंकि एक फैमिली के पास एक खेत होता है, वो सारे उस पर लग जाते हैं, जबकि सबके लगने की ज़रूरत नहीं है, बट ये होता है, उन सबको लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं। तो इसीलिए प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर लोग काम करते हैं, और क्यों, क्योंकि वो छुपी हुई बेरोज़गारी है, हमें मतलब बेरोज़गार ही है वो एक तरह से, बट हम उन्हें लगता है कि हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में हमें काम करते हुए दिखते हैं, डेटा इसलिए 44 सबसे ज़्यादा इसका ही लिखा है प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अजर्शन लिखा हुआ है, अजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। अजर्शन लिखा हुआ है कि क्रूड ऑयल जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा जिस जो हमारे सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसानदायक ना हो, जैसे क्रूड ऑयल तो थोड़ा नुकसानदायक होता है ना हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो यही लिखा हुआ है कि क्रूड ऑयल रिज़र्व जो है वो ख़त्म हो रहा है और हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा जो क्रूड ऑयल को रिप्लेस कर सके, उसका बेस्ट अल्टरनेटिव हो। तो मतलब सही लिखा हुआ है ये लाइन एकदम, ठीक है, ये गलती से मेरे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं। रीज़न ये लिखा हुआ है कि ऑयल एंड पेट्रोल प्राइजेज़ आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। बात तो सही लिखी हुई है कि ऑयल प्राइजेज़ जो हैं वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं, है ना, इंडिया के अंदर तो खासकर। तो अब अजर्शन और रीज़न देखते हैं, क्या इन दोनों का आपस में कोई लेना देना है। द आंसर इज़ नो। यहाँ पर क्रूड ऑयल के ख़त्म होने की बात करी गई है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें कोई बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो हमें कोई बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, क्यों ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल ख़त्म हो रहा है, इसलिए थोड़ी ना ढूंढना पड़ेगा कि इसका प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ने या घटने से इसका कोई लेना देना नहीं है, हम इसका बेस्ट अल्टरनेटिव सिर्फ इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि अगर ये क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाए तो हमें कोई दिक्कत ना आए। तो इसका मतलब दोनों सही है बट दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मैन है जो फूड प्रोसेसिंग में काम करता है, एक फार्म में काम करता है, खेत में काम करता है, मैनुअल वर्कर है वो, ठीक है, मजदूरी करता है वो, उसकी वाइफ और डॉटर भी साथ में काम कर रही है, ठीक है। तो उसके मतलब उनकी हेल्प करवाने के लिए, ठीक है, वो अकेला भी कर सकता है बट फिर भी उसकी जो वाइफ है और उसकी जो डॉटर है, बेटी है उनकी, वो उनकी हेल्प करवा रही है, ठीक है। तो ये किसका एग्ज़ाम्पल है, प्रच्छन्न बेरोज़गारी का, मौसमी बेरोज़गारी का, ओवर एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं होता, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट भी कुछ नहीं होता। तो ए या बी हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। ये दोनों एक्चुअल में कोई वर्ड है ही नहीं हिंदी में या ना इंग्लिश में भी नहीं है, ओवर एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं होता ना साइक्लिक अपना एम्प्लॉयमेंट होता है। बेसिकली इसका मतलब है प्रच्छन्न बेरोज़गारी। देखो वो अकेला भी कर सकता है बट उनकी जो डॉटर है, उनकी जो वाइफ है, दोनों काम कर रही हैं, उनको लग रहा है, उनकी डॉटर और वाइफ को लग रहा है कि हम तो हेल्प करवा रहे हैं बट उनके काम करने का कोई फ़ायदा हो नहीं रहा वैसे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये थोड़ा सा हमारा पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा वैसे ही समझा देता हूँ क्योंकि मैंने इंग्लिश में बनाई थी तो मैंने पहले ही रीड कर रखा है। ये लिखा हुआ है कि ग्रिम फेरी टेल्स है एक, जो जर्मनी के अंदर बहुत पॉपुलर नाम है, दो भाई थे जैकब और विलियम, उन दोनों ने स्टार्ट किया था हनाऊ के अंदर, ओके।
और ये दोनों के दोनों स्टडी लॉ पढ़ाई करते थे उस टाइम, जैसे वो लॉ वगैरह की पढ़ाई करते थे, और उन्होंने फोक टेल्स वगैरह जो कहानियाँ होती हैं ना, पुरानी पुरानी जो लोक कथाएँ होती हैं, उनको इकट्ठा करना शुरू किया, ठीक है। और उन्होंने 6 साल बिताए अलग अलग फेरी टेल्स को इकट्ठा करने के लिए, और ऐसा उन्होंने किया। और फिर उन्होंने उनको यूथ को दिखाया, जो नए नए बच्चे थे, लोग थे, उनको दिखाया, और उनको बहुत पसंद आई। तो उन्होंने सोचा कि यार इसको अब बुक बनानी चाहिए इसकी। तो उन्होंने पब्लिश करी, 1812 में पब्लिश वगैरह करी, ठीक है। और उसके बाद दोनों भाइयों ने लिबरल पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया, मतलब पॉलिटिक्स को, डायरेक्टली पॉलिटिक्स को नहीं किया, लिबरल पॉलिटिक्स का मतलब होता है आज़ादी के लिए लड़ने लग गए, कि जी प्रेस की फ्रीडम के लिए, है ना, जो हमारी होती है ना प्रेस वगैरह, जो न्यूज़पेपर वगैरह छापती है, और ये सारी की सारी चीज़ें, और मीडिया वगैरह, इनके लिए किया, ठीक है। और उसके बाद उसी टाइम में उन्होंने 33 वॉल्यूम ऑफ डिक्शनरी भी छापी, जर्मन लैंग्वेज की डिक्शनरी छापी उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों भाइयों ने क्या देखा कि फ्रेंच का जो डोमिनेशन है, मतलब फ्रेंच जो है वो लोग, वो जर्मन के कल्चर को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उनको लगता था कि दे बिलीव दैट फोक टेल्स दे हैड कलेक्टेड वर एक्सप्रेशन ऑफ द प्योर ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट। और उनको लगता था जो कहानियाँ उन्होंने इकट्ठा करी है ना, वो एक्चुअल में रियल जर्मन उसको कल्चर को और जर्मन फीलिंग को बढ़ा सकती है, ठीक है। दे कंसिडर देयर प्रोजेक्ट कलेक्टिंग फोकलोर्स डेवलपिंग, मतलब उनको लगा कि जो कहानियाँ उन्होंने इकट्ठी करी है वो सही में जर्मन लैंग्वेज को बचाएगी, और जर्मन लैंग्वेज को एक लोगों में एक देशभक्ति की भावना और जर्मन नेशनल आइडेंटिटी एक बनाएगी। देखो जर्मन के लोग बहुत अलग अलग थे, है ना, अलग अलग टाइप के थे, बट क्योंकि जो कहानियाँ थी, जो लोक कथाएँ थी, वो सब उनसे कोरिलेटेड थी। तो यही एक वजह, जैसे भारत, मैं समझाता हूँ, जैसे भारत में है वंदे मातरम सॉन्ग हो गया, ठीक है, या जनगणमन हो गया, हमारा राष्ट्रगान हो गया, है ना। तो ये हम सब अलग हैं, शायद मेरी भाषा आपको समझ आती हो या ना आती हो, चाहे हिंदी आपको आती हो ना आती हो, चाहे आप पंजाबी हो, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, केरला, कहीं भी रहते हो, ठीक है, फिर भी हमारे अंदर क्या है, एक राष्ट्रगान को लेकर सब में रिस्पेक्ट है। क्यों जी? क्योंकि हमारी नेशनल आइडेंटिटी है। तो यही ग्रिम ब्रदर्स ने करना शुरू किया, उन्होंने जर्मन नेशनल आइडेंटिटी बनाया उन फोक टेल्स को। उनको लगा कि ऐसे लोगों में इन कहानियों के ज़रिए एक देशभक्ति की भावना उत्पन्न करी जा सकती है। अब जी आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ग्रिम ब्रदर्स ने जो रीडेबल फॉर्म विदाउट चेंजिंग देयर फोकलोर्स करेक्टर, मतलब उन्होंने बुक को क्यों छापा, मैं आपको बता ही चुका हूँ। उन्होंने बुक को इसलिए छापा क्योंकि उन्होंने ये बात नोटिस करी कि बहुत सारे लोग जो हैं जर्मनी के अंदर उस कहानियों को पसंद करते हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने छापा। वो तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए बुक को इकट्ठा कर रहे थे, बट उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों को कहानियाँ ये पसंद है, इसलिए उन्होंने उस बुक को छापा। जैसे हमने ऊपर देखा था ना कि बहुत सारे यूथ वगैरह जो हैं उनमें ये पॉपुलर है, ठीक है, उनको बहुत पसंद आई ये सारी की सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ द लिटरेसी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रिम ब्रदर्स वॉज वाइड स्प्रेड, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन टू डिपिक्ट, इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि जो एक तरह से जो लिटरेसी है, लोग जर्मनी में पढ़े लिखे थे, और इसकी वजह से जो ग्रिम ब्रदर्स का है थोड़ा सा फ़ायदा हुआ। किस चीज़ में फ़ायदा हुआ? प्रमोशन ऑफ एथनिक बिलोंगिंग, यानी उनको, उनका जो कल्चर था उनको बढ़ावा देने में उनको हेल्प मिली। टाउन टाउन और उसका सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ। उसका ग्रिम ब्रदर्स की कहानियों से क्या लेना देना, तो ये गलत है। न्यू पार्टी उन्होंने बनाई नहीं, उन्होंने कोई पार्टी नहीं बनाई थी, हमने देखा कोई पार्टी नहीं बनाई थी, वो तो सिर्फ प्रेस की फ्रीडम के लिए और इसके लिए डिमांड कर रहे थे। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट वर्ड ही हमने नहीं देखा, समाजवाद वर्ड क्या हमने ऊपर, मैंने बोला एक बार भी समाजवाद, तो डी का भी कोई लेना देना नहीं। एक्चुअल में ये जो लिटरेसी थी जो बढ़ रही थी, उससे एक फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा हुआ कि हमारे जो जर्मनी है उसके अंदर एथनिक यानी बिलोंगिंग का, जो उनकी जाति है, लोग थे, उनकी कल्चर का थोड़ा सा बढ़ावा मिला उनको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो ग्रिम ब्रदर्स थे उन्होंने क्या बोला कि ये जो हम कहानियाँ वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं इससे किस चीज़ की स्पिरिट बढ़ी? कल्चरलिज्म की। कल्चरलिज्म का मतलब होता है एक तरह से कल्चर बढ़ा उनका, ठीक है। हिंदी में बोले तो ऐसे, हिंदी में इसका रुमानीवाद भी लिखा आ सकता है, याद रखना, इसको रुमानीवाद भी लिखा आ सकता है, और एक तरह से उनके, एक तरह से कह सकते हो आप, कल्चर को, संस्कृति को बढ़ावा मिला, ठीक है, जर्मनी की संस्कृति को बढ़ावा मिला। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है जी, आप कह सकते हो कि पहली बात तो इस कट्टरपंथी होता है, एक्सट्रीमिज़म का मतलब होता है कट्टरपंथ,
लिबरलिज्म का मतलब होता है जी मतलब आज़ादी, एक तरह से उदारवाद। उदारवाद का भी कोई लेना देना नहीं है। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है जैसे राजा रानी वाला शासन जो होता है ना, वो कंजर्वेटिज्म होता है। इसमें तो राजा रानी का कोई लेना ही देना नहीं है, तो इसका आंसर होगा कल्चरलिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए तो आप मेरे को बताना, एक एक क्वेश्चन अगर मेरे को कमेंट में लिखना पड़े मैं तब भी लिखूंगा हिंदी के अंदर, बट बताना ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई द फॉरेन डोमिनेशन वॉज कंसिडर्ड एज नेशंस थ्रेड टू द नेशन बिल्डिंग। मतलब जो फॉरेन आए थे लोग, मैंने आपको बताया था फ्रेंच डोमिनेशन के बारे में हमने देखा था, जो फ्रेंच डोमिनेशन बढ़ रहा था वो कैसे हमारे जर्मन के लोगों के लिए एक थ्रेड बना था, एक थ्रेड बना था, कैसे थ्रेड बना था। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ क्या है। इसका आंसर है जी इरोजन ऑफ द नेटिव वैल्यू एंड दी थोज। सॉरी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि थोड़ा सा फीवर है। तो इसका आंसर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है बी। जो हमारे ग्रिम ब्रदर्स है वो है ना, ये सोचते थे कि जो फ्रेंच का डोमिनेशन बढ़ रहा है ना, फ्रेंच लोगों का डोमिनेशन बढ़ रहा है, उससे क्या होगा कि हमारा जो कल्चर है और हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म होती जाएगी, और इसी से ही हमारा जो कल्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाउ वर द जर्मन एबल टू कनेक्ट देयर कल्चर। वो अपने कल्चर से कैसे कनेक्ट कर पाए, कैसे कनेक्ट कर पाए वो अपने कल्चर से, थ्रू द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंगस्ट नेशनल्स। ये जो कहानियाँ इकट्ठा करी थी ना उन्होंने, वो कलेक्टिव बिलोंगिंग थी, वो सबकी कहानी थी। मतलब जैसे कि देखो, जब हमारे इंडिया के अंदर भगत सिंह से रिलेटेड कोई बात बताई जाती है तो हम सारे कोरिलेट कर पाते हैं, है ना। वो मतलब उन्होंने अगर फ्रीडम स्ट्रगल में अपना पार्ट, अपना रोल निभाया है, बहुत बढ़ चढ़ के निभाया है, तो अगर वो देखे तो उन्होंने क्यों निभाया है, ठीक है, मतलब उन्होंने क्यों निभाया, वो तो ऑब्वियस ही बात है, वो देशभक्ति की फीलिंग थी इसलिए उन्होंने निभाया, बट उन्होंने निभाया है तो आप देखो तो हमारे भारत के सारे लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारी कलेक्टिव बिलोंगिंग है, ठीक है। जब भगत सिंह का नाम लिया जाता है तो इंडिया में सारे के सारे लोग जो हैं वो खुश होते हैं, उनको पता है कि वो हमारे बहुत बड़े सुपर हीरो हैं, है ना, नेशनल हीरो हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जर्मनी के अंदर भी सेम था, वो जो कहानियाँ लोकगीत और जो कहानियाँ थी, लोक कथाएँ थी, वो जब सुनाई जाती थी तो वो जर्मनी के लोगों को लगता था कि यार ये सारे के सारे लोग तो हमारे ही हैं, जर्मन के ही है, तो इसलिए उनमें देशभक्ति की भावना जागी। अगर आप भगत सिंह के बारे में या किन्हीं के भी बारे में जिन्होंने भी हमारे देश में बहुत बढ़ चढ़ के एक रोल निभाया है, उनकी कहानियाँ अगर आप किसी अंग्रेज़ को सुनाओगे, ब्रिटिशर को तो वो तो सुनेंगे नहीं, अगर किसी और को सुनाओगे तो शायद उनको इतना फ़र्क ना पड़े, बट हमको पड़ता है, बहुत पड़ता है। हमारा नेशनल एंथम शायद दूसरों के लिए सिर्फ एक सॉन्ग हो, बट हमारे लिए तो बहुत कीमती चीज़ है ना, एक नेशनलिस्ट फीलिंग है। तो ऐसे ही जब जर्मनी के लोगों को कहानियाँ वगैरह और जो कलेक्टिव बिलोंगिंग, जो फोक टेल्स और ये जो इकट्ठा कर रहे थे लोक कथाएँ, उनसे क्या हुआ, उनमें एक फीलिंग जागी और वो अपने कल्चर से कनेक्ट कर पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वही अजर्शन और रीज़न है। अजर्शन है आपका कि रिजीम ऑफ 1815 डू नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट्स। 1815 में आपको याद है हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1, तो 1815 में जो नया किंग आया था, याद है ना, 1815 में प्रैब, अच्छा प्रैब की फुल फॉर्म लिखना मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में। तो प्रैब की जो कंट्रियाँ थी उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया था और वापस वहाँ पर एक किंग आ गया था, ठीक है, और वो किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म, उनको क्रिटिसाइज़ कोई नहीं कर सकता था, करता तो सीधा गुद्दी नाप दी जाती थी और जेल में भेज दिया जाता था, ठीक है, या तो मार ही दिया जाता था। क्या बात सही लिखी है, बात एकदम सही है, कोई भी राजा के खिलाफ नहीं बोल सकता था 1815 में। ओके, रीज़न क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जो कंजर्वेटिव रिजीम आई थी वो ऑटोक्रेटिक थी। रीज़न ये लिखा हुआ है कि जो राजा आया था ना, ठीक है, वो तानाशाह था, वो अपनी मर्जी से काम करता था। क्या बात सही है, ये बात भी सही है। जो हमारा किंग था, जो न्यू किंग आया था 1815 में, बर्बन डायनेस्टी का था, वो क्या था, वो तानाशाह था, अपनी मर्जी से काम करता था। तो दोनों सही है। अब दोनों का आपस में लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। कैसे लेना देना है, देखो लेना देना ऐसे है
क्योंकि अगर मैं बात करूं 1815 में, देखो इसको एक लाइन में रीड करता हूं मैं, 1815 में जो न्यू रिजीम आया था, न्यू सिस्टम आया था, उसमें वो किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करता था, क्योंकि वहां पर जो न्यू किंग आया था वो ऑटोक्रेटिक था, तानाशाह था। तो करेक्शन बैठ रहा है ना, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। ओके नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, ये पैराग्राफ है ठीक है, तो पैराग्राफ चलो मैं रीड कर देता हूँ, वैसे चलो मैं रीड कर ही देता हूँ जब मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको, तो बता देता हूँ। बेसिकली इस पैराग्राफ में हिंदी में बताऊँगा मैं आपको, इसमें ये लिखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे किसान जो है वो धीरे धीरे फूड क्रॉप से फ्रूट्स की तरफ, वेजिटेबल्स की तरफ और ऐसी फसलों की तरफ जा रहे हैं जहाँ से उनको ज़्यादा पैसा मिले। ठीक है चलो, ये गलत नहीं है क्योंकि दिक्कतें फेस करनी पड़ती है फार्मर को बहुत पैसे से रिलेटेड, पता ही आपको। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे सीरियल और पल्सेस जो हमारी दालें हैं और जो मोटा अनाज वगैरह है, अनाज वगैरह है, उनका जो एरिया है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि इनमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट तो ज़्यादा होता है इंडस्ट्रियल क्रॉप में, है ना, वेजिटेबल्स वगैरह में, फ्रूट्स वगैरह में, मतलब ऐसी फसलों में। पल्सेस वगैरह में इतना ज़्यादा फ़ायदा वगैरह नहीं होता किसानों को। ठीक है, तो इसलिए ही हमारे किसानों जो हमारे पल्सेस वगैरह सीरियल वगैरह के जो किसान उगाते थे, हमारी दालें वगैरह और अनाज वगैरह उगाते थे, अब वो थोड़ा शिफ्ट हो गए हैं ऐसी फसलों पे जिनसे उनको ज़्यादा पैसा मिले। ठीक है, जिससे एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है, हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उनकी न्यूट्रिशन की डिमांड को पूरा करने के लिए अनाज और ये पल्सेस वगैरह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ था कंपटीशन ऑफ द लैंड बिटवीन द नॉन एग्रीकल्चर यूजेस सच एज हाउसिंग वगैरह रिजल्टेड टू था। और ये भी लिखा हुआ है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो हमारे नॉन एग्रीकल्चर लैंड है ना, उनको जैसे जिस एरिया पे खेती नहीं होती उनको खेती का एरिया बनाने की जगह हम वहाँ पर हॉस्पिटल बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। हॉस्पिटल तो चलो मैंने एक बहुत गलत वर्ड बोल दिया, हॉस्पिटल नहीं, घर वगैरह बना रहे हैं, इंडस्ट्री वगैरह बना रहे हैं। हॉस्पिटल बन जाना तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट लैंड वगैरह और इंडस्ट्री वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एरिया जो है खेती का वो कम होते जा रहा है। ठीक है, और इससे क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उर्वरक वगैरह यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से जो लैंड है वो निम्नीकरण हो रहा है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, और इससे और कभी कभार तो फार्मर को वाटर स्कार्सिटी भी फेस करनी पड़ती है, पानी की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी भर जाता है। ठीक है, और सॉल्ट कंटेंट जो था, मैंने आपको बताया था चैप्टर में, हमने पढ़ा था कि लवणीय है, लवणीय का मतलब होता है सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है मिट्टी के अंदर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं हम। लिखा है कि वन कैन इन्फर फ्रॉम दी अबव गिवन इन्फॉर्मेशन दैट द मार्जिन एट द फार्मर। इसमें लिखा हुआ है कि हमारे ये बोला जा रहा है कि ऊपर के पैराग्राफ से हमें ये समझ आ रहा है कि हमारे जो छोटे और जो मध्यम फार्मर है ना, वो एक दिन खेती से बाहर निकल जाएंगे। क्या लगता है क्यों निकल जाएंगे, मैं आपको बता दूं, हमारे जो मध्यम और जो छोटे फार्मर है वो बाहर इसलिए निकल जाएंगे क्योंकि धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, अभी तो हम बहुत बड़े लेवल पे यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइज़र वगैरह का। ठीक है, तो बड़े फार्मर को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो छोटे फार्मर है वो यूज़ कर रहे हैं अपने छोटे से लैंड पे फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड्स का, तो इसकी वजह से मिट्टी की उर्वरकता ख़त्म हो रही है। ठीक है, और उर्वरकता ख़त्म होने की वजह से एक दिन वो खेती से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ग्रीन रेवोल्यूशन, जब क्लास 9 में भी पढ़ा होगा आपने कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ना, उससे हाँ फ़ायदा हुआ है बट उससे नुकसान भी हुआ है। ठीक है, जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, मैं आपको बता दूं, उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ किया गया था, तो उससे फ़ायदा तो हुआ है बट उससे नुकसान भी हुआ है। क्या नुकसान हुआ है कि उससे मिट्टी की उर्वरकता ख़त्म हुई है, और छोटे फार्मरों को आज देखो, आज के जो हमारे फार्मर हैं उनको वो ये बोलते हैं कि जी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से नुकसान भी हुआ है और आज उनको फेस करना पड़ रहा है नुकसान। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। 54 की बात करते हैं, ज़्यादा नहीं, 6 क्वेश्चन और रह गए हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट बताना है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि हमारे जो फार्मर है वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तेरे क्रॉप पैटर्न, ये बात एकदम गलत है। इसमें लिखा हुआ क्या है, हिंदी में बोले तो इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे किसान है ना, वो अपनी खेती को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मतलब वो अलग अलग टाइप की खेती कर रहे हैं, ये बात एकदम गलत है। क्यों, क्योंकि हमारे किसान अब वही टाइप की खेती कर रहे हैं जिनमें उनको ज़्यादा फ़ायदा है।
ठीक है, सारे नहीं, सारे किसान नहीं कर रहे, ये सिर्फ उस ऊपर वाले पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बताया गया। ठीक है, ऊपर वाले पैराग्राफ से हमने ये देखा कि हमारे जो किसान है वो जो इंडस्ट्रियल क्रॉप है जिसमें उनको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिले, ठीक है, वो फसल उगा रहे हैं, जो कि गलत बात नहीं है, उनका भी हक है पैसे कमाने का। ठीक है, हाँ, जब खुद का पेट भरा होता है तभी आप देश का पेट भरोगे, है ना। तो यानी फर्स्ट वाला पॉइंट तो एकदम गलत लिखा हुआ है कि किसान तो सिर्फ डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक टाइप की खेती कर रहे हैं जिसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता हो, तो यानी फर्स्ट तो गलत है हमारा। ओके, सेकंड की बात करते हैं कि हमारे जो फार्मर है वो शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम सीरियल टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, देखो ये वाला पॉइंट आपका गलत लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट सॉरी सही लिखा हुआ है, ये सही बात है कि हमारे जो फार्मर है वो सीरियल से फ्रूट्स और वेजिटेबल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं, जब आप इसके आंसर चेक करोगे ना तो आपको इसमें दिखेगा कि ये वाला पॉइंट भी गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ये वाला पॉइंट आपका गलत लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर ही हमने देखा कि हमारे फार्मर सही में शिफ्ट कर रहे हैं। ये लिखो, ये देखो लिखा ना, सीरियल वगैरह की नेट सोन एरिया गिर रहा है, और क्यों, क्योंकि हमारे जो फार्मर है वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह उगा रहे हैं। ठीक है, तो यानी सेकंड वाला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है, बट आप आंसर चेक करोगे तो इसमें लिखा है सेकंड वाला पॉइंट गलत है। थर्ड वाले पॉइंट की बात करते हैं, जूट इज़ हाई डिमांड इन दी इंडियन मार्केट। क्या आपको लगता है जूट की हाई डिमांड है इंडियन मार्केट में? यस, एक तरह से हाई डिमांड है, बट ऊपर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ऊपर इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि जूट की डिमांड है या नहीं है। ओके, बट मैं बता दूं, है ठीक ठाक डिमांड है जूट की। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ओनली वन होगा। आप देख रहे हो कि इसके अंदर ओनली वन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया कि देखो इसमें मिसप्रिंटिंग भी है ना। देखो मैं समझाता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 42 है ना जो मैंने आपको दिया था, एक्चुअल में आप जब इसका बॉडी मास इंडेक्स निकालोगे ना, इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच करेगा ही नहीं, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो ये मिसप्रिंटिंग हो सकती है। और इस वाले क्वेश्चन में भी मेरे को लगता है कि मिसप्रिंटिंग है या कोई मिस्टेक है 54 में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो हैज़ बीन रिडक्शन इन द नेट सोन एरिया अंडर द सीरियल एंड द पल्स, मतलब पल्सेस वगैरह। तो जो इसमें लिखा हुआ है कि जो एरिया है अनाज का और जो हमारी दालों वगैरह का, वो कम होते हुए जा रहा है। क्यों कम होते हुए जा रहा है, मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारे जो फार्मर हैं वो क्या हो रहे हैं, अब सीरियल कमर्शियल क्रॉप पर ज़्यादा प्रॉफिट के लिए दूसरी क्रॉप को उगा रहे हैं, प्रॉफिट के लिए मतलब कमर्शियल क्रॉप को उगा रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसी फसल जिसमें उनको ज़्यादा पैसे मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। 56 क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कि फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड विच वन शो ड्रामेटिक रिजल्ट आर नाउ बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। मतलब एक टाइम पे जो हमारे फर्टिलाइज़र थे और ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, उस टाइम जो उन्होंने बहुत भयंकर रिजल्ट दिए, मतलब अच्छे रिजल्ट दिए थे उस टाइम, तो बहुत तगड़ी खेती हुई थी हमारी उसकी वजह से, बट आज हमें उसकी वजह से दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारी लैंड डिग्रेड हो गई, बंजर हो गई ज़मीन अब वो। बट उस टाइम हमें क्या फ़ायदा हुआ था उससे, ये पूछा गया आपसे कि इन फॉर द पॉजिटिव इफेक्ट, यानी पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुए थे। सिंपल है, उस टाइम हमें सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट यही देखने के लिए मिला था कि हमारा जो आउटपुट है ना, वो बढ़ा था, प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है जी, यही लिखा हुआ है, तो यही पॉइंट है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं कि फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड वगैरह जो यूज़ हुआ, उसकी वजह से दो स्टेट को उस टाइम बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जो जिन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जिनका बढ़ा था। तो ये तो नॉर्मल है, आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हो, जिस बच्चे को ना पता हो वो इतना तो बता सकता है कि हरियाणा पंजाब में ज़्यादा खेती होती है, तो इसका आंसर भी हरियाणा और पंजाब है, उस टाइम बहुत बड़े लेवल पर यूज़ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फूड प्रोडक्शन प्रोवाइड द बेस फॉर द फूड सिक्योरिटी इज़ द की डिटरमिनेंट ऑफ द फूड अवेलेबिलिटी, व्हाई इज़ दिस ट्रेंड शिफ्टिंग टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल क्रॉप। सेम वही क्वेश्चन है कि हमारे फार्मर जो हैं, देखो फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी हमारे फार्मर जो है वो इंडस्ट्रियल क्रॉप पे क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? बात यह है कि उनको भी हाई प्रॉफिट और इनकम चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये मैप है, बहुत इजी मैप है, तो आपको ये डैम बताना है कि ए पे कौन सा डैम है। ठीक है, आपका सलाल डैम, ये सलाल डैम आपका जम्मू कश्मीर पे पड़ता है, भाकरा नांगल डैम
बात करेंगे इसके बारे में। पहले टिहरी डैम पे आ जाते हैं, उत्तराखंड में पड़ता है ये, शायद उत्तराखंड में ही पड़ता है शायद, क्या शायद नहीं बोलना चाहिए, आप कन्फ्यूज जाओगे, बट कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप चेक करना, ठीक है। राणा प्रताप सागर ये अपना राजस्थान में पड़ता है। तो अब भाखरा नांगल डैम की बात करते हैं। इसका जो देखो भाखरा नांगल डैम ये है जो इस एरिया में पड़ सकता है। इसका जो मैं आपको बताऊं, जो रिजर्वायर होता है ना पीछे, जो बड़ा इंपाउंडमेंट वाला जो एरिया होता है जहाँ पर इकट्ठा होता है पानी वगैरह, वो आपका गोविंद सागर कहा जाता है उनको, गोविंद सागर डैम का कहा जाता है एरिया, कहा जाता है गोविंद सागर रिजर्वायर हो ये सारा का सारा, तो पंजाब के साइड में ही पड़ता है। तो इसका आंसर है ए, सॉरी ए कह रहा हूँ, यहाँ पर बी होगा, और यहाँ पर ए का आंसर भी बताया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट है कि बी कौन सा स्टेट है। देखो ये तो बी पूछा है कि वो स्टेट जहाँ पर टी की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होती हो, असम, पंजाब, बिहार, गुजरात। मैंने इसलिए आपको बोला दोस्त, एक बात ध्यान रखना, इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट लिखी हुई है ना, जितनी भी स्टेट लिखी हुई है, हर एक स्टेट का नाम आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आपको ये ना पता हो कि टी का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा क्या कहाँ होता है, बट आपको एरो दिख रहा है कि जी असम की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर भी असम है ना। चलो नीचे वाले क्वेश्चन की भी बात करते हैं। उत्तराखंड में कौन सा डैम है, टिहरी डैम है, अभी बताया मैंने। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप कौन सी है, चावल है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप चावल है, फिर आपका गेहूं है, फिर आपका ज्वार है, ठीक है। चलो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने जैसे आपको बताया हर चैप्टर के एमसीक्यू मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। एक बात और बता दूँ यार आपको कि नोट्स के लिए, हर चैप्टर के रिटर्न नोट्स के लिए mainpointstudy.in की वेबसाइट पे आप जा सकते हो। बहुत सारे चैप्टर के मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारा एक और चैनल है मेन पॉइंट टेक करके, वहाँ पर मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम अर्न कैसे कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, तो वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख सकते हो। आप चौंक जाओगे बहुत सारी वीडियो वहाँ पर देख कर, ठीक है। ऐसी ऐसी वीडियो अपलोड कर रखी है, और जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं बताता जिसका यूज़ मैंने ना किया हो। आप वहाँ पर जाकर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जो भी वीडियो अपलोड हुई है 25-30 मिनट से कम की है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मेन मोटिव था कि आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत डिटेल में समझाई जाए, क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कम मालूम है ना, ज़्यादा दिक्कत आती है उनको, तो इसलिए ये सारा का सारा एक्सपेंड करके मैंने बताया, ओके। और बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, 4000 से ज़्यादा बच्चे हो गए वहाँ पर। टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, सर्च पर जाकर लिखना मेन पॉइंट स्टडी 1010, आप 10th के टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे। बाकी आप इंस्टाग्राम और हमें फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलना, मेरा पर्सनल हैंडल भी है इंस्टाग्राम पे और मेन पॉइंट स्टडी का भी है, ओके। और फेसबुक पेज है मेन पॉइंट स्टडी का, तो उसको भी आप फॉलो करना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा जो न्यू चैनल बताए ना मैंने, ठीक है, और भी ब्लॉगिंग वगैरह के चैनल भी हैं, अभी तक कुछ अपलोड नहीं किया, और गेमिंग का भी चैनल है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।